फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माई चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आई हूँ क्रीम कॉन्टोर वर्सेस पाउडर कंटोर। अगर आप क्रीम कॉन्टोर कर रहे हो तो किस तरह से करना है, पाउडर कंटोर कर रहे हो किस तरह से करना है और अब कब करना है। तो एक साइड मैं आपको क्रीम कॉन्टोर करके दिखाऊंगी, एक साइड आपको पाउडर कंटोर करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है अपना क्रीम कॉन्टोर। क्रीम कॉन्टोर ना आपका थोड़ा क्रीमी टेक्सचर में होता है, थोड़ा सा ना क्रीमी, जैसे कि आपके बेसिस होते हैं, कंसीलर्स होते हैं, इस तरह क्रीमी टेक्सचर में होते हैं। जबकि जो आपका प्रेस्ड फॉर्म में होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। प्रेस्ड फॉर्म में हैं ये, पाउडर फॉर्म में। दोनों का आपने यूज़ कैसे करना है। अगर आप क्रीम कॉन्टोर कर रहे हो तो आपको, जैसे कि आपने अपने मेकअप का बेस सेट करते हो, यानी कि उसको ब्लेंडर से ब्लेंड करते हो और थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो, तो उसे पाउडर से सेट नहीं करना है। पाउडर से सेट करने से पहले अपना क्रीम कॉन्टोर कर लें, देन अपने मेकअप को पाउडर से सेट करें। लेकिन अगर आप पाउडर कंटोर कर रहे हो तो इसका केस अलग है। पाउडर कंटोर करते वक्त जब आप जब आप अपने मेकअप बेस को पाउडर से सेट कर लें उसके बाद यूज़ कर सकते हैं उसको। ये पाउडर कंटोर का पहले यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इसे पाउडर कंटोर को पहले यूज़ करोगे तो वो पैच छोड़ देगा, इस वजह से हमें इसे बाद में यूज़ करना है। और अगर हम क्रीम कॉन्टोर को बाद में, यानी पाउडर की सेटिंग करने के बाद में यूज़ करेंगे, तो वो क्या होगा कि आपके मेकअप को ना अच्छे से फ्लेकी सा दिखाएगा। तो दोनों में फ़र्क है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं अपने जो मेकअप बेस है मैंने अभी सेट नहीं किया, तो मैं यहाँ पर मेकअप बेस अपने पाउडर की हेल्प से सेट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना लूज़ पाउडर लिया है और इसको यहाँ पे सेट कर लेती हूँ। एक साइड में सेट कर लेती हूँ, एक साइड नहीं करती हूँ। यहाँ मैंने इसे सेट कर लिया अपने लूज़ पाउडर की हेल्प से, क्योंकि इस साइड मैं करूँगी पाउडर कंटोर जबकि साइड करूँ क्रीम कंटोर, तो इस साइड मैंने सेट नहीं करना है। नेक्स्ट, अब मैं लेती हूँ अपना पाउडर कंटोर, और जिसमें मैंने एक बड़ा ब्रश लिया है। आप डिपेंड करता है, आप जिस एंगल टाइप में ब्रश होते हैं वो ले सकते हैं। और इसको मैंने हल्का सा इस पर कंटोर लिया, यहाँ से कंटोर लिया है और जस्ट इसको यहाँ से अप्लाई करना स्टार्ट करूँगी, हल्के से इसको ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी इस तरह से, ठीक है। और इसको जितना भी आप इसको इन्फ्लुएंस चाहते हैं, जितना आप इसको डार्क करना चाहते हैं, ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी डार्कनेस चाहिए, कंटूरिंग कितनी चाहिए अपने फेस पे, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे कंटूर कर लिया अपने चीक बोन्स पे भी, यहाँ पे हमने कंटूर किया है, और अपने फोरहेड के सराउंड भी हम यहाँ पे कंटूरिंग कर लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक मैंने एक ब्रश ले रही हूँ छोटा सा, और इसको भी हल्का सा साइड में अपने नोज़ के सराउंड यहाँ पे कंटूर अप्लाई कर लेती हूँ, नोज़ को शार्प दिखाने के लिए। नोज़ की कंटूरिंग भी अलग नहीं, सीधी नहीं आती है, यहाँ से थोड़ा सा डायगोनल होता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगी। तो ये हमारी यहाँ पे हमने क्या किया है, कंटूर किया है, जिसमें हमने पाउडर का यूज़ किया है, सेटिंग करने के बाद यूज़ किया है, ठीक है ना। हमने अपने मेकअप की सेटिंग कर ली थी, तो ये तो हो गया हमारा पाउडर कंटूर, है ना। और यहाँ पे देखिए हमने कंटूरिंग नहीं की है, तो इफ़ेक्ट देखिए दोनों का, यहाँ पे डायमेंशन दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं क्रीम कॉन्टोर की तरफ। तो अब हमने क्या लेना है, इसमें हमने क्रीम प्रोडक्ट अपना कॉन्टोर लेना है, जैसे कि मैंने डार्क शेड चूज़ किया है कॉन्टोर के लिए, एंड इसको मैं अपने यहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ और ऐसे ही अपने जो लाइंस पे, थोड़ा सा नीचे अपने फोरहेड पे और अपने नोज़ के साइड में इस तरह से, इसको हमने ब्लेंड करना है।
ये हमारे क्रीम कंटूर की ब्लेंड, लेकिन इसकी ब्लेंडिंग हमारी जो होगी ये हमारी ब्रश से नहीं करनी है हमने, क्योंकि जो प्रोडक्ट है ऑलरेडी काफ़ी थिक होता है, क्रीम प्रोडक्ट है, तो हमने जस्ट डैबिंग फॉर्मेशन में ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करना है। याद रखना कि जब ब्लेंडर का यूज़ करते हैं ना, तो ये जो कंटूर है यहाँ ऊपर वाला, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करना है, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड नहीं करना है, ठीक है? अब ये देखिए, और इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करना है इस तरह से, नोज के सराउंड। यहाँ पे आप छोटे ब्यूटी ब्लेंडर्स का भी यूज कर सकते हैं, लाइक दिस। अब देखिए, ये हमारे पाउडर कंट्रोल क्या है, यहाँ पे क्रीम कंट्रोल क्या है फोरहेड के सराउंड। कितनी इजीली हो गया, कोई टाइम तो नहीं लगा, ठीक है? टाइम देखिए, दोनों में सेम लग रहे हैं, है ना, दोनों में फेस सेम लग रहा है। और अब हमें इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के लिए अगेन हम अपने लूज पाउडर का यूज़ कर लेंगे। अगर आप चाहते हो ना कंटूर बहुत ज़्यादा एनहेंस हो, बहुत ज़्यादा दिखाई दे, वैसे तो आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा का ट्रेंड नहीं रहा है, ठीक है, कि और इसको आप सेट कर लो अपने पाउडर से। लेकिन अगर आप एक चीज़ और कर सकते हो, आपने क्रीम कंटूर किया ना, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर हल्के से ना ब्रश के साथ जो आपने पाउडर के साथ किया था वो लेके इस तरह से हल्का हल्का सा अप्लाई कर सकते हो, उससे भी सेटिंग हो जाएगी। सिर्फ कंटूर की जगह पे करना, पूरे फेस पे मत करना, वरना मेकअप बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है? तो ये हमारा यहाँ पे हमने किया है अपना, ये भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने यूज़ किया अपना क्रीम कंटूर, जबकि यहाँ पे हमने यूज़ किया था अपना पाउडर कंटूर। ये है हमारे पास हमारा, यहाँ पे हमने यूज़ किया था अपना पाउडर कंटूर, ठीक है ना? हाँ, एक चीज़ और कि आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि पाउडर कंटूर कर रहे हैं तो सेटिंग के बाद, क्रीम कंटूर कर रहे हो सेटिंग से पहले। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि ये नॉलेज आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।